प्लेज में देखे हैं, आपको लाफ्टर क्वीन लोग जानते हैं, एज अ एंकर जानते हैं, बट फर्स्ट टाइम एज अ कंटेस्टेंट देखेंगे KK9 में, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप देखें फिर आप ही कहिए कि आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत अलग एक्सपीरियंस था अर्जेंटीना में खतरों के खिलाड़ी सीज़न 9 का, और ऊपर से पति साथ था, तो थोड़ा पति के लिए यह था कि मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती ना हो, लेकिन भर भर के हुई उनकी बेइज्जती और मेरी भी। मैंने पहली बार अपने पति को गिड़गिड़ाते देखा है, मतलब हाथ जोड़ते हुए, और बहुत सारे डर थे हमारे, सांप का मेरा, मुझे तो अस्थमा पेशेंट हूँ मैं, तो क्लोस्ट्रोफोबिया है मुझे, तो बॉक्स में बंद कर दो या पानी में फेंक दो तो मैं मर जाऊँ, तो ऐसा कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इमोशनल काफ़ी बार कभी काफ़ी शोज़ में हुई हूँ, लेकिन मुंह खोल के कभी नहीं चिल्लाई, दीवारें पकड़ पकड़ के ऐसा, तो ये वाला हाल था। जैसे बच्चा स्कूल जाता है ना तो पकड़ के कहते चल चल बस में बैठ, तो वो वाले हाल थे। लेकिन अब सोचती हूँ तो बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस था, क्योंकि रोहित सर के साथ और जितने भी हमारे साथी कंटेस्टेंट थे उनके साथ, पता नहीं, एक जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता जिसको सब संभालते हैं ना, सब लोग मुझे ऐसे संभालते थे, हर्ष था, लेकिन इतना बड़ा मतलब मेरा साथ हो गया था कि सब लोग प्यार करते थे, और अभी भी हम लोग सब दोस्त हैं। किसी से ऐसा नहीं था कि ये जीते या मैं ना जीतूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई भी जीत जाए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस हमको था कि स्टंट मत करवाओ। मतलब TV में सांप देख के मैं और हर्ष मतलब ऐसे हो जाता, हाई यार कैसे कर रहा है, जब कोई दूसरा चैनल देखते हैं, जब अपने ऊपर 1000-1500 सांप आए तो पहले तो एकदम सुननी होगी कि सच है, फिर जब सांप हिलते हैं ना गीले गीले ऐसे इधर इधर, मेरे तो इधर जीभ लगा रहा था सांप, तो मैं चीखूं भी ना, मैं कहा चीखूंगी तो वो पकड़ लेगा, इश्क इधर से पकड़ ले, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और शायद ही कभी लाइफ में ये सब करने को मिलता, क्योंकि एज ए कॉमेडियन मैं फिल्में तो करती नहीं, एज ए हीरो जो स्टंट करती, तो इसमें स्टंट के लिए मुझे मौका मिला और बहुत ग्लैड हूँ मैं। थैंक यू सो मच कलर्स एंडमॉल और रोहित सर, जो एक भाई एक बाप एक फ्रेंड की तरह हमेशा बूस्ट करते थे, कर सकती है भारती तू, करना बेटा एक बार ट्राई करना, होगा, ऐसे करते थे। सो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और बस दोस्तों की फैमिली थोड़ी और बढ़ गई है, थोड़े दोस्त थे अब और मिल गए हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गए अभी। नहीं नहीं मिलता है ना, रात को 3 बजे से लेके सुबह 5:30 तक। तो ये होते थे वो तो मतलब मेरे को बहुत प्यार करता, वो कभी भी नहीं डांटता, मैं थोड़ा कर दी, तुम क्यों यार रोए क्यों, तुम कर सकते थे ना, सेफ्टी होती है वहाँ पे, जहर थोड़ी है सांपों में। मैं इतना उसको भाषण देती थी, अगले दिन मुझे सांप वाला मिल गया और फिर मैं भी रोई बड़ा। सो होता था, लेकिन वो बहुत पेशेंस वाला है स्टंट के मामले में नहीं, लेकिन मेरे मामले में जब मैं रोती हूँ तो उसको बहुत होता है। और एक स्टंट था, मैं अभी आप देखोगे तब पता है, मैं इतना रोई मतलब मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि मैंने ये शो क्यों किया और मैं TV पे कितनी गंदी लगूंगी यार, मैं कितना मुंह खोल के रो रही थी। जैसे स्टंट ख़त्म हुआ मुझे कोने में ले जाके बोलता है अभी नहीं करना, बोल देते हैं बस अभी नहीं करना, इतना नहीं रोना, तो मुझे इतना प्यार आया कि मेरी कितनी केयर करता है। सो नोकझोंक तो चलती रही, एक दूसरे को बूस्ट करते रहे, साथ भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ सब लोग अकेले थे हम जोड़ी में थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। और कहा गया था कि शो कर लीजिए आपका सेकंड हनीमून भी हो जाएगा, वो चैनल की आती ना खूबसूरत लड़कियाँ, तो हमने बोला हाँ चलो भी पेड हनीमून हो रहा है तो करते हैं, पर वहाँ जाके ऐसा कुछ भी नहीं था, अंधेरे में निकलते थे अंधेरे में वापस आते थे, दिन में क्या हुआ पता ही नहीं चलता था। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आने वाली हमारी जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके लिए, मम्मी पापा जब वो देखेंगे सांप पकड़ते हुए मगरमच्छ से लड़ते हुए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि हर्ष और भारती, हर्ष आपको हमेशा एक राइटर सुना आपने, भारती हमेशा आपने एक कॉमेडियन सुनी है, लेकिन इस बार वी आर स्टंटमैन, आप देखिएगा क्या हाल हुआ है हमारा, कलर्स ने हमारा क्या हाल किया है, हमारे एक्चुअली पेरेंट्स को पकड़ लिया था, इन्होंने किडनैप कर लिया था और बोला था ये स्टंट करोगे तभी आपके माँ बाप को छोड़ेंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत मज़ा आया, और देखिएगा 5 जनवरी से कलर्स पे सैटरडे संडे रात 9 बजे खतरों के खिलाड़ी जिगर पिटरीगर सीज़न 9, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन स्टोरियाँ, बेहतरीन प्यार, बेहतरीन दोस्ती। आई लव यू रोहित शेट्टी, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी क्रिसमस, बहुत सारी शुभकामनाएं, बस फेस्टिवल शुरू हो गए, एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ रहिए, क्योंकि फैमिली दोबारा नहीं मिलती, और अपने पेरेंट्स को बहुत खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी न्यू ईयर।